Hi, this is Toshi and you're watching me on Movies Adda. Hello, this is Sharib and you're watching us on Movies Adda. Thank you. हेलो गाइज, दिस इज ज्योति नाहक एंड वेलकम टू मूवीज़ अड्डा। वेल, फिलहाल मेरे साथ एक ऐसी माही ब्रदर्स की जोड़ी है जिन्होंने पहले अपने शराबी रेशम के रुमाल से सारी ऑडियंस को इमोशनल फुल बना दिया और उसके बाद सबको सिखा दिया प्यार की माँ की। तो चलिए जानते हैं उनसे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया ऑडियंस के साथ। हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज़ अड्डा। हाय हाय, दिस इज तोशी। हाय, दिस इज शारिब। हाय, हाउ आर यू? ऑफ कोर्स हम आप लोगों को जानते हैं, इंट्रोडक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। ये तो मैंने थोड़ी शेर व शायरी कर दी आपकी खिदमत में जी। सो सबसे पहले जानना चाहूँगी, ऑफ कोर्स इतने सारे सुपर हिट ट्रैक्स दिए हैं आप लोगों ने और अब ये नया गाना आने जा रहा है, दिल्ला ठहर जा, आई गेस इट्स द राइट प्रोनाउंसिएशन, दिल्ला। सो क्या कहना चाहेंगे इस सॉन्ग के बारे में? इट्स ओरिजिनल साउंड ट्रैक एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई गेस समबडी हैज डन दिस दैट यू नो मेकिंग ओरिजिनल साउंड ट्रैक एज अ सिंगल। तो बहुत एक्साइटेड हैं और बहुत ही दिल के करीब है ये कॉम्पोजिशन। आज के जैसे कि पहले बताया हमने कि आज के 5 साल पहले ये गाना बनाया गया था एंड कई सारी फिल्मों में हर गाने की डेस्टिनी होती है। कई सारे डायरेक्टर्स को ये गाना सुनाया गया, कई सारे लोगों ने पसंद भी किया अपनी फिल्म के लिए, बट फाइनली इस गाने की किस्मत ये थी कि एज अ सिंगल रिलीज हो। सो वी आर एक्साइटेड। बिल्कुल, बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा लग रहा है गाना। ओवरऑल वीडियो गाना दोनों ही बहुत अच्छे सुनाई दे रहे हैं और दिखाई दे रहे हैं। तो उम्मीद है कि लोगों को उतना पसंद आएगा गाना जितनी हमने मेहनत की है। सो जब भी कोई गाना रिलीज़ होता है ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेशंस यही होती है कि बहुत ज़्यादा अच्छा जाए, क्योंकि इस गाने को भी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर थोड़ी सी डिसलाइकिंग आती है तो बुरा तो सबको ही लगता है, तो आप लोग उस चीज़ को कैसे डील करते हो? डिसलाइकिंग आती है तो कहीं ना कहीं एक वो इंस्पिरेशन भी होती है कि यार ये अगर 10,000 50,000 1,00,000 4,00,000 10,00,000 लाइक्स हैं, तो अगर 20 डिसलाइक्स हैं तो ये 20 लोगों के कर लिए कुछ ना कुछ दिल में चल रहा होगा उनके, तो उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं और नेक्स्ट सॉन्ग में कुछ ऐसा करते हैं कि वो डिसलाइक्स ना आए। अच्छा, मैशअप्स भी आप लोग बहुत अच्छे बनाते हो, जिस तरीके से आप लोग मिक्स करते हो चीज़ों को, तो क्या कहना चाहोगे? मतलब क्या ऐसी कोई स्पेशल प्रिपरेशन लगती है? बिकॉज हम तो यहाँ बैठे बैठे सिर्फ इन्जॉय करते हैं, हमें नहीं पता उसके पीछे कितनी मेहनत लगती है, बट क्या कहना चाहोगे, कुछ अलग से थॉट प्रोसेस होता है कोई भी गाना बनाने से पहले, या एक धुन को दूसरे धुन से जब आप जोड़ते हो तो क्या कुछ ऐसे अलग से प्रिपरेशन लगती है, या दोनों भाई के बीच में से कभी डिस्प्यूट होता है कि आपको कुछ धुन पसंद नहीं आ रही और इनको पसंद आ रही है, तो कैसे सॉर्ट आउट करते हैं? फील लगता है सिर्फ, यू जस्ट नीड टू फील द म्यूज़िक एंड इफ़ यू फील इट राइट देन वो अपने आप बन जाता है। कोई फॉर्मूला नहीं है कि पानी में थोड़ी सी चाय की पत्ती डालें और फिर उसको उबालें तो एक चाय बन जाएगी। देयर इज़ नो फॉर्मूला, यू जस्ट नीड टू फील इट। और वो कन्विक्शन अगर आपके दिल में जो है और वो ऑडियंस तक पहुँच जाए, उसका एक ही रास्ता है कि आपको फील करना पड़ेगा जो आप बना रहे हो। इफ़ यू इन्जॉय इट देन डेफिनेटली कहीं ना कहीं लोगों के दिलों तक भी पहुँचेगा। जब गाना दिल से निकलता है या कोई भी बात दिल से निकलती है तभी दिल तक पहुंचती है। सो जो ये गाना है, थोड़ा सा गाना चाहेंगे ऑडियंस के लिए? ऑफकोर्स मुझे पसंद है तो अभी लाइव सुनना तो बनता है। नमाजी हूँ ना काफिर मैं, भटकता सा मुसाफिर मैं, ओ दिल्ला दिल्ला ठहर जा, यार दा नजारा लैण दे मैनू लैण दे। अच्छा, जब भी गाना बहुत सूदिंग है, मतलब मैं खो गई थी गाने में, भूल गई कि मुझे क्वेश्चन पूछना है, मुझे रेडी रहना है, बट स्टिल। अच्छा, जब भी कोई गाना आप लोग बनाते हो कोई स्पेशल इंस्पिरेशन होती है, जैसे ये गाना है तो ये गाना सुन के ऐसा लग रहा है जैसे अपने लव्ड वन के लिए, तो ऐसा कुछ तो नहीं आपने सोचा रियल लाइफ से इंस्पायर्ड होकर? मैं सच बताता हूँ आपको, एक कॉमन आदमी को हमेशा लगता है ये बात एंड आई कैन रिलेट दिस कि हाँ कि इन्होंने ये गाना बनाया तो कुछ सोच के बनाया होगा, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग हम जब गाने बनाते हैं तो इट्स बेसिकली वी आर मेजरली वर्किंग फॉर द फिल्म म्यूजिक। तो हमें 99% ऐसे ही काम करना होता है कि डायरेक्टर की थॉट होती है, उसका एक अपना सब्जेक्ट होता है, उस सब्जेक्ट के अंदर हमें अपने आप को इन्वॉल्व करना होता है। वी गॉट इनटू दैट, वी लिव दैट सब्जेक्ट, वी लिव दैट स्टोरी, वी लिव दैट नरेशन फॉर सम डेज एंड यू नो वी काइंड ऑफ यू नो लाइक क्रिएट समथिंग विच इज़ उनके सुर के साथ सुर मिलाकर जो एक बात होती है, उनकी सोच में सोच मिलानी होती है, तो वो सब बेसिकली वैसे ही होता है। ये गाना भी आई एम श्योर 5 साल पहले बना था, तो अभी कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन होगा किसी डायरेक्टर का, कुछ ब्रीफ होगा कि ऐसा गाना चाहिए तो ये गाना बना होगा, बट किस्मत थी कि डेस्टिनी। प्रेशर में बनता है गाना कि अच्छा गाना बना प्रेशर में बनता है वो लव्ड वंस या जिसके लिए भी सोच के आप बना रहे हो, दैट इज़ इन योर सबकॉन्शियस ब्रेन, पर या मोस्टली प्रेशर अच्छा गाना बनाने का।
ये क्वेश्चन मैं व्यूअर्स के पर्सपेक्टिव से पूछ रही हूँ. यूजुअली क्या होता है, ये कंपैरिजन हमेशा चलता है कि पुराने गाने और नए गाने, पुराने गाने नए गाने. तो जो पुराने गानों के लिरिक्स होते थे वो बड़े फैंटेसी वाले होते थे, यू नो, फूलों का खिलना, दिलों का मिलना एंड ऑल दैट थिंग्स. लेकिन अब जो नए गाने होते हैं, यू नो, लाइक फॉर एग्जाम्पल, हाँ, कोका कोला, पानी, सोडा और चार बोटल वोडका, ऐसे होते बड़े रियलिस्टिक से हो गए. तो आप लोग एज अ सिंगर, आप लोग किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हो? बिकॉज ऑफकोर्स सब बोलते हैं कि यू नो, हमें तो चलो अपने गाने ही पसंद है, या जैसा डिमांड होता है वैसी सप्लाई होती है, जैसा ऑडियंस सुनना चाहिए वैसा आप लोग दोगे. लेकिन पर्सनली जब आप लोग अकेले होते हो या सुनना चाहते हो तो क्या सुनते हो? फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक हमारा ही गाना है प्यार की माँ की पूजा करनी है, मुझे वो बहुत पसंद है. तो वो गाना, अभी आपकी बात का जवाब इससे अच्छा कुछ आंसर हो नहीं सकता कि वो गाना, जब वो हुक लाइन हमारे पास में राइटर लेकर आए थे, मनोज, जिन्होंने गाना लिखा है, मनोज यादव, तो वो हुक लाइन ही अपने आप में कितनी कमाल की लग रही थी सुनने में कि यार कोई ऐसे सोच सकता है कि प्यार की माँ की पूजा करनी है, मतलब क्या ये वियर्ड सा थॉट है. बट इट वाज समथिंग यूनिक एंड समथिंग अनयूजुअल. तो पसंद आता है, ऐसा नहीं बोल सकते कि पसंद नहीं आता हमें. पुराने और नई की बात है, उसका जवाब यह है कि भिंडी रोज़ खानी है, अगर आपको ये ऑप्शन दिया जाए तो आप नहीं खा पाएंगे. आप कभी दाल भी खाएंगे, कभी बैंगन भी खाएंगे, कभी भड़ता भी खाएंगे. अलग अलग तरह की चीज़ें. अभी ज़रूरी नहीं है कि जो आदमी हमेशा चार बोतल वोडका सुन रहा है वो कभी कभी जाके तेरे दर पर सनम चले आए भी सुनने का दिल करेगा उसका. सो इट्स डिमांड कैसी है, अंदर की, अंदर रिक्वायरमेंट कैसी है आपके दिल की, तो रिक्वायरमेंट पे होता है. आजकल रीमिक्स का भी बड़ा दौर चला हुआ है, यू नो, सब लोग रिक्रिएशंस, यस, रीमिक्स और रिक्रिएशंस बड़ा जोर से चल रहा है. और अभी भी खैर कुछ लोग गाने वापस से रीमिक कर रहे हैं और ये हो रहा है. तो आप लोग अपने नज़रिए से क्या बोलना चाहोगे इस चीज़ को, किस तरीके से देखते हो? ट्रेंड है, ज़माना है, लोग पसंद कर रहे हैं. एट द एंड ऑडियंस के लिए काम करना होता है. ऑडियंस को जो अच्छा लगेगा वो हमारा करना पहला फ़र्ज़ है. जब कुछ अच्छा रिक्रिएट होकर आता है तो हमको भी अच्छा लगता है. जब किसी गाने के साथ ज़्यादती हो जाती है तो वो ख़राब लगता है एज अ म्यूजिशियन. तो बस यही फैक्टर है कि अच्छा बुरा, एज अ कंपोज़र, एज अ म्यूजिशियन, हम थोड़ा ज़्यादा बारीकी से सुन लेते हैं गाना. कुछ अच्छा, जैसे कि दिलबर दिलबर, फैंटास्टिक रिक्रिएशन, फेनोमिनल रिक्रिएशन. एट द सेम टाइम ऐसे कई सारे गाने हैं कि जो लगता है कि अरे यार क्या कर दिया ये गाने के साथ, क्यों कर दिया, हाँ क्यों कर दिया, अब ये गाना नहीं सुन सकते हम दोबारा, या हमको पुराना ही सुनना है. तो उतना ही होता है बस, बाकी तो ज़माने के साथ चलना पड़ेगा आपको, जो ज़माना कहता है. जी, अच्छा, इस बार आपने थोड़ा प्रोडक्शन में भी, प्रोड्यूसर भी हैं आप इस सॉन्ग के, तो क्या डिफरेंट लगा आपको, या फिर क्या कुछ ऐसा, कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो आपने सोचा यार ये प्रोड्यूसर को ये भी करना पड़ता है, ऐसा कुछ? कैलकुलेटर से गुस्सा आ रहा था इनके पर, अगर इन्होंने ज़्यादा पैसे उड़ाए तो. बहुत सारे पैसे खर्च हो गए, उसका दुख हुआ. कैलकुलेटर लेके घूमना पड़ता है बस, थोड़ा सा ये फ़र्क आता है. और बाकी आप क्रिएटिव इंसान तो हो ही, यू आर अ म्यूजिशियन फर्स्ट, बाकी दूसरी चीज़ें कि और चीज़ों की भी कैलकुलेशन दिमाग में चलती रहती है. इसके अलावा कि गाना और वीडियो अच्छा होना चाहिए, बजट भी कंट्रोल होना चाहिए, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग. बट स्पेशली थैंक्स टू आर मैनेजमेंट, जो काफ़ी हेल्प किया. एज अ हम लोग सिर्फ चेक काट रहे थे, बाकी सब लोग वो संभाल रहे थे क्या करना है कैसे करना है. तो मैनेजमेंट की काफ़ी मदद रही, मीडिया वेंटेज जो मैनेजमेंट है हमारा, तो बहुत आसानी से हो गया सब. अच्छा, एक विश लिस्ट हर सिंगर की होती है, हर इंसान की होती है कि मुझे इन इनके साथ काम करना है. आप लोगों ने ऑलरेडी इतने सारे लोगों के साथ काम किया जिसकी लिस्ट मैं तो नहीं बना सकती, लेकिन आपकी विश लिस्ट या चेक लिस्ट में कौन है जिसके साथ अभी भी काम करना बाकी है और आप चाहते हो कि काम तो ज़रूर करना? मार्वल्स. ये तो आगे निकल गए आप तो, बहुत आगे निकल गए. विश ही करना तो बड़ा करूँ ना मैं. ख्वाब देखने तो बड़े हैं. बिल्कुल, ख्वाब ही देखने. अभी उससे अलग आंसर है? नहीं, बिल्कुल, डेफिनेटली मेरे उसके आंसर हमेशा अलग ही होते हैं. मैं इतना बड़ा नहीं सोचूंगा, मैं थोड़ा बॉम्बे में रहूँगा. मुझे आदि सर के साथ काम करना है, आदित्य चोपड़ा सर के साथ काम करना है. एंड आई रियली विश टू वर्क अगेन मोहित सूरी, आई वुड से, बिकॉज वी स्टार्टेड आवर करियर विथ मोहित. आवर फर्स्ट सॉन्ग वॉज माही माही, तो अगेन विद मोहित, या वी ट्राइड समथिंग, बट इंशाल्लाह वेरी सून. बेस्ट पार्ट अबाउट मोहित सूरी इज दैट उनको पता है कौन सा गाना कहाँ पर आएगा तो यहाँ लगेगा. हम जब भी उनकी फिल्म देखते हैं, उनके गानों की जो प्लेसिंग होती है वो बहुत कमाल होती है. और गाने को करेक्ट जगह पे डालना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस पार्ट पे फिल्म के गाना आ रहा है, तो वो और ज़्यादा कनेक्ट होता है बिकॉज आप वो स्टोरी के साथ साथ चल रहे होते हैं. So he's phenomenal, amazing director. We'd love to work with him again. अच्छा, आपने इंशाल्लाह बोला तो उससे मेरे दिमाग में सलमान का नाम भी क्लिक हुआ. सलमान के साथ काम करने का ऐसा कुछ है कि कोई भी ऐसा कंपोजर, सिंगर, राइटर नहीं होगा जिसका जी दिल में अरमान ना हो.
हमारा भी दिल में बहुत से बॉम्बे से चले जाना चाहिए, नहीं पहाड़ों में जाके अकेले रहना चाहिए। ये टैगलाइन बनेगी, ये हेडलाइन बनेगी, देख कि जो भी ना बोले कि आपको सलमान खान के साथ काम करना है, बोले नहीं, तो उस इंसान को किसी असाइलम में डाल देना चाहिए। क्योंकि एज अ म्यूजिशियन, एज अ टेक्नीशियन, एज अ कैमरा मैन, एज अ माइक मैन, जितने भी हमारी इंडस्ट्री के लोग हैं, एवरीबडी वॉन्ट्स टू वर्क विद हिम। नॉट दैट दैट ही इज़ ओनली अ सुपर स्टार, इट्स दैट दैट ही इज़ अ अमेजिंग ह्यूमन जेम ऑफ अ पर्सन। आई मीन ही इज़ सो गुड हार्टेड। हमारा एक आपस का एक खिताब है जो सलमान खान साहब को हम देते हैं, ही इज़ लाइक पारस पत्थर, जिसको हाथ लगा दें वो सोना बन जाती है वो चीज़। तो कौन नहीं काम करना चाहेगा उनके साथ। खैर ऑलरेडी सोना हो और कितना, और इससे ज़्यादा भाव बढ़ेंगे तो हम लोग कैसे सुन पाएंगे। बट सोने का भाव भी तो चढ़ता उतरता है, तो भाव बढ़ जाएगा बस। अच्छा, मैं जाते जाते एक आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि मुझे इनके बारे में एक ऐसी चीज़ आप बताइए जो ऑडियंस को नहीं पता, जो फैंस जानना चाहते हैं, और इनके बारे में एक ऐसी चीज़ जो ऑडियंस को नहीं पता, और वो ऐसे कोई प्रोफेशनल ऐसी चीज़ नहीं, एक हैबिट ऐसी जो आपको इनकी नहीं पसंद या उनकी पसंद, ताकि बहुत लेजी, मतलब बहुत गाड़ी की पार्किंग, लेट बैक नहीं, मतलब सिस्टमैटिक नहीं बोलूँगा, मतलब सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड। हाँ, पार्किंग की जगह पार्किंग नहीं होगी गाड़ी। ये तो लड़कियों का टैलेंट है, कभी सही जगह पे पार्क नहीं करती गाड़ियाँ। मतलब वैसे अपने आप में बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, घर में अपने अपने कमरे को बहुत ऑर्गेनाइज रखता है, बाहर हाँ कुछ भी, बस इतना ही। इज ऑलवेज कॉन्शियस अबाउट वॉट टू वेयर, सो मतलब 10 चीज़ें सोचने के बाद एक चीज़ डिसाइड करना, और मेरा उल्टा है, मैं आँख बंद करके डिसाइड करता हूँ मुझे क्या पहनना, वही निकाल के पहन के निकल जाता हूँ। अभी फैंस लोग को पता चल गया इनकी एक एक चीज़ें, इसके लिए मुझे कमेंट सेक्शन में थैंक यू बोलना। बट लास्टली जाते जाते क्या बोलना चाहोगे फैंस के लिए और व्यूअर्स के लिए, और सॉन्ग तो ऑफकोर्स लोग पसंद ही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या कहना चाहोगे? गाना ओरिजिनल साउंड ट्रैक है, बहुत मेहनत से बना है, आप लोग सुने, शेयर करें एज मच एज यू कैन, मिलियंस में व्यूज़ दें, शारिब तोशी ऑफिशियल चैनल पर जाएँ, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और गाने को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, जिस तरह से आज तक आपने हमारे गानों को दिया है, यही उम्मीद है, यही हमारी ख्वाहिश है, थैंक यू। अच्छा, जाते जाते एक बार मेरे लिए एटलीस्ट या हमारे चैनल के लिए वो माही माही सॉन्ग, वो मुझे बहुत पसंद है। तुझ में है कुछ ऐसी सुबह सा, जिसके खातिर मैं था जगा सा, आ तू मेरे ख्वाब सजा जा रे, दिल रोए आए लाही तू आजा मेरे माही, दिल रोए आए लाही तू आजा मेरे माही, मेरे माही मेरे माही तू आजा मेरे माही, दिल रोए आए लाही तू आजा मेरे माही। वाओ, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस, और थैंक यू सो मच ये गाना गाने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। थैंक यू।